गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीआर इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार ये जो है पूछा जाता है और लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। वन वर्ड्स पूछा जाता है, लेकिन वन वर्ड्स में दिक्कत ये आती है कि इसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। और आज ऐसे ही कन्फ्यूज होने वाले वर्ड्स ब्रांचेज ऑफ साइंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, वो ब्रांचेज ऑफ साइंस जिनमें कि आपको कन्फ्यूजन होता है, और ब्रांचेज ऑफ साइंस जो कि एंडिंग विद LOGY, जिसको लजी कहते हैं, इसको लॉजी नहीं कहते हैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन लजी होता है। तो ऐसी लजी या ऐसी साइंस की जो ब्रांचेज है उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आप सभी बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, देखिए एक एक जो ब्रांच मैंने बताई है साइंस की वो बहुत ही समझने वाली है, वो ऐसी ट्रिक के साथ है कि वो आपको तुरंत अभी अभी पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे वन वर्ड्स। चलिए पहला है मिटियोरोलॉजी। मिटियोरोलॉजी वो मौसम विज्ञान उसको कहते हैं, मौसम विज्ञान कहते हैं इसको, जो कि मौसम की भविष्यवाणी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आजकल ये बहुत ही प्रचलित भी है। प्रचलित इसलिए है कि मौसम के बारे में हर एक व्यक्ति आजकल जो है वो इस पे डिपेंड है, ये मौसम अपनी जो भविष्यवाणी करता है, मिटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो साइंस ऑफ वेदर फोरकास्ट, मौसम की भविष्यवाणी करने वाले विज्ञान को मिटियोरोलॉजी कहते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक सीधी है, मिटियोरोलॉजी मै से मिटियोरोलॉजी और मै से मौसम, मौसम ऐसे याद आपको रह जाएगा। चलिए सेकंड है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो होती है, कार्डियो का अर्थ हार्ट होता है, हार्ट होता है, तो ये होगी किसकी, स्टडी ऑफ हार्ट। जो हार्ट की स्टडी करने वाली है उसको क्या कह दिया हमने, कार्डियोलॉजी। ये साइंस जो है वो कार्डियोलॉजी होगी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की जो स्टडी करने वाली जो विज्ञान है उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। याद कैसे रहेगा, आपने एक पढ़ा होगा एड आता है, अभी गर्मी आती है, गर्मी स्टार्ट होते क्या होता है, डर्मी कूल पाउडर का एड आता है। तो डर्मी कूल पाउडर किस लिए लगाते हैं, ताकि स्किन ठंडी हो जाए, यानी स्किन में क्या होती है घुमोरियाँ हो जाती है गर्मियों के टाइम में, इसलिए जो है डर्मी कूल उसका नाम जो है पाउडर का रख दिया डर्मी कूल, तो उससे हम याद रख सकते हैं। तो डर्मी जो है, डर्मी वर्ड जो है स्किन से रिलेटेड होता है, और डर्मेटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ स्किन हो गई। नेक्स्ट है गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी रिलेटेड टू विमेंस डिजीजेस, जो विमेंस डिजीजेस के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान है उसको गायनोकोलॉजी कहते हैं। गायनोकोलॉजी इसको आप कैसे याद रखेंगे, गायन है और गायनो और गायन, गायनो और गायन से याद रख लो। और गायन में जो है लेडीज़, उनका सुर अच्छा होता है, उनकी आवाज़ अच्छी होती है, इसलिए गायक कलाकार में वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि गायनोकोलॉजी गायन से, और गायन से रिलेटेड किससे है, विमेन से, इसलिए गायनोकोलॉजी जो साइंस है वो किसकी होगी, रिलेटेड टू विमेंस डिजीजेस के बारे में। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ नर्व्स, जो नर्व की स्टडी करता है, जो नर्व मतलब नाड़ी रख सकते हो हिंदी में जो है नाड़ी, इनसे संबंधित जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। ये याद हो जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद जो है यहाँ दिए हुए हैं, उसके बाद ये दिया है ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑप्टिशियन, और उसके बाद दिया है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट। चलिए मैं आपको पहले ऑप्टोमेट्रिस्ट पढ़ाता हूँ। ऑप्टोमेट्रिस्ट वन हु मेजर्स अवर विजन। ऑप्टोमेट्रिस्ट वह व्यक्ति होता है जो हमारे आंखों की दृष्टि का मेजरमेंट करता है, मापता है, आंखों की विजन को टेस्ट करता है, ऐसा होता है। चलिए हम सबसे पहले जब हमारी दिक्कत आंखों की प्रॉब्लम हुई तो हम किसके पास गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने वो जो है लिख के दे दिया क्या, एक ऑप्टिशियन के पास जाओ और वहाँ से क्या लेके आओ, अपने स्पेक्टिकल्स ले लो, अपने जो है चश्मा ले लो वहाँ से। वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, याद रहे ओनली जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स बेचता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन कहते हैं। तो ऑप्टिशियन जो है कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि ऐसे इक्विपमेंट बेचता है, तो ऑप्टिशियन लगाने से कोई बड़ा व्यक्ति वो नहीं बन जाएगा, कोई डॉक्टर नहीं होता ही। चलिए नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजी। अब जो आप जिस डॉक्टर के पास गए या जिस व्यक्ति के पास गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट था, उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने किसकी स्टडी कर रखी थी, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने किसकी स्टडी कर रखी थी,
ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी ऑफ आईज, यानी स्टडीज जो स्टडी ऑफ आईज करने वाले व्यक्ति को ऑप्थेल्मोलॉजी जो विज्ञान होती है उसकी स्टडी करने वाला, ऑप्थेल्मोलॉजी ये साइंस हो जाएगी। हाँ नेक्स्ट देखा है हमारे यहाँ ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी द स्टडी ऑफ ट्यूमर्स इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं उनकी स्टडी जो करने वाली विज्ञान होती है उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, तो ये साइंस हो जाएगी ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है फिलोलॉजी, फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस की स्टडी करने वाली साइंस है उसको फिलोलॉजी कहते हैं, तो वो फिलोलॉजी हो जाएगी। और उसके बाद है पेलियोग्राफी, क्या वर्ड दिया हुआ है पेलियोग्राफी, याद रहे पेलियोग्राफी स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, स्टडी ऑफ किसका है एंशियंट राइटिंग, एंशियंट होता है प्राचीन, और प्राचीन से पेलियोग्राफी, प्राचीन से क्या बन गया पेलियोग्राफी, प्राचीन से पेलियोग्राफी याद रह जाएगा ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास में सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी जो है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक की स्टडी करता है, भूकंप विज्ञान, भूकंप के बारे में जो विज्ञान है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। सिस्मोलॉजी कहने का रीजन भी है, सिस्मोलॉजी किस लिए है, क्योंकि भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं सिस्मोग्राफी कहते हैं, और ये सिस्मोलॉजी जो है ब्रांच हो गई है साइंस की। नेक्स्ट है न्यूमिसमेटोलॉजी, न्यूमिसमेटोलॉजी ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, न्यूमिसमेटोलॉजी वह साइंस होती है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स का कलेक्शन कर ले, कॉइन्स का कलेक्शन करने की जो है उसको क्या कहते हैं न्यूमिसमेटोलॉजी कहते हैं। इसको कॉइन है, कॉइन को आप याद रखने के लिए कॉइन पैसे नोट सिक्के, नोट से ऐसे याद रख सकते हो, नौ से नोट और नए से न्यूमिसमेटोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंथ्रो जो वर्ड होता है, एंथ्रो वर्ड किससे रिलेटेड है, एंथ्रो जो वर्ड है वो व्यक्ति से ह्यूमन बींग से रिलेटेड है एंथ्रो वर्ड, तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी वर्ड जो है वो किससे हो गया एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग से हो गया, ह्यूमन बींग से। नेक्स्ट है जियोलॉजी, जियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, रॉक्स और सॉइल्स की स्टडी करने वाली साइंस को जियोलॉजी कहते हैं याद रह जाएगा। जूलॉजी नेक्स्ट है, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जो जू का मतलब एनिमल्स कहाँ रहते हैं जू के अंदर रहते हैं, इसलिए जूलॉजी जो है वो एनिमल्स की स्टडी करने वाली ब्रांच है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी बहुत ही चर्चित भी है ये वायरोलॉजी, क्या है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस, जो वायरस की स्टडी करता है, वायरस की स्टडी करने वाले विज्ञान को वायरोलॉजी कहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से अब उसके कारण किस प्रकार से उसकी वैक्सीन बनाई जाए, इन सब पे जो चल रहा है काम, इस सब पे काम करने वाली विज्ञान वायरोलॉजी है, वायरोलॉजिस्ट जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति इन पे काम कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है यूरोलॉजी स्टडी ऑफ यूरिन एंड इट्स डिजीजेज, यूरिन और इसकी डिजीजेज के बारे में जो स्टडी करता है ऐसी विज्ञान को यूरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का जो अध्ययन करने वाले विज्ञान है उसको क्या कहते हैं टैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है टर्मिटोलॉजी, टर्मिटोलॉजी स्टडी ऑफ टर्माइट्स, जो टर्माइट्स का अध्ययन करता है उसको टर्मिटोलॉजी कहते हैं। यहाँ कुछ कल्चर से रिलेटेड साइंस है, एपिकल्चर दिया है, सेरीकल्चर भी है और पीसी कल्चर है, इसको किस प्रकार से याद रखें मैं बताता हूँ आपको। पहले देखिए एपिकल्चर, एपिकल्चर कीपिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों का पालना, मधुमक्खियों का पालन करना, कीपिंग भी वर्ड होता है, इसके लिए रियरिंग भी होता है ना, रियर जो वर्ड होता है, रियर का अर्थ, एक तो रियर का अर्थ बैक भी होता है, कैमरा आता है रियर, रियर और फ्रंट कैमरा आता है, और दूसरा जो है रियर का अर्थ पालना भी होता है, तो रियरिंग ऑफ बीज या कीपिंग ऑफ बीज मधुमक्खियों का पालना, तो इसको याद रखेंगे आप एपिकल्चर जो है वो बीज से रिलेटेड है, एपी पी का मतलब पी मधु पी शहद पी, तो मधुमक्खी पालन से हो जाएगा पीना शहद पीना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर कीपिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम का पालन करना, तो उसको क्या कहते हैं सिल्क वॉर्म कहते हैं, तो सेरीकल्चर
सैसे सेरी सैसे सिल्क, इससे आप जो है सैसे सेरी सैसे सिल्क इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है पीसी कल्चर, कीपिंग ऑफ फिशेस, पिस फिश, पिस और फिश, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, पीसी कल्चर, पिस और फिश, इससे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो खगोल विज्ञान है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जो कि खगोलीय जो ऑब्जेक्ट है उनके बारे में जो स्टडी करने वाली है, खगोल विज्ञान उसको कहते हैं। और एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो ज्योतिष शास्त्र है, वो ज्योतिष के बारे में, ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट जो है ह्यूमन बॉडी पे क्या पड़ने वाला है, ह्यूमन बींग पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके बारे में जो अध्ययन होता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है, और एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करने वाला एस्ट्रोलॉजिस्ट होता है। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो कि खगोलीय, कोई खगोलीय प्रभाव जो है उस खगोलीय प्रभाव ह्यूमन बींग पे पड़ने वाला, उसके बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान जो है वो एस्ट्रोलॉजी होती है, ज्योतिष विज्ञान, और एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान है ये। तो इन दोनों में बिल्कुल आपके डाउट क्लियर होना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, आप इस कन्फ्यूजन को दूर करें। ये नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट का, कीड़ों का और इनका अध्ययन जो करती है विज्ञान, उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी एंट वर्ड जो है, एंट वर्ड से याद रख सकते हो, ए एन टी एंट, और यहाँ जो है एंटोमो दिया हुआ है, तो बोलना उच्चारण जो लग एक जैसा लगता है तो उसे याद रख सकते हैं। एंटोमोलॉजी एंट, एंट चींटी, इंसेक्ट होता है एक, तो एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो है, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स होती है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स होती है, और एक फ्रूट का नाम होता है पोमेग्रेनेट, तो पोमेग्रेनेट से आप याद रख सकते हैं कि वो जो है एक फ्रूट की स्टडी करने वाली साइंस है पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो कि बर्ड्स का अध्ययन करती है उस साइंस को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्नी मोरनी, मोरनी भी क्या होता है, बर्ड्स, पक्षी होता है एक, तो मोरनी ऑर्नी, ऑर्निथोलॉजी मोरनी, तो इससे आप याद रह जाएगा। ये थोड़ी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप भी अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हो, ये मेरी ट्रिक है, आप अपनी तरफ से ट्रिक बना के कैसे भी याद रख सकते हो, याद रहना चाहिए, यही मेन मकसद होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ बोन्स, जो बोन्स की स्टडी करने वाली विज्ञान है उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, तो स्टडी ऑफ बोन्स जो है उसको ऑस्टियोलॉजी कह दिया। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीज एंड बुशेज, जो कि पेड़ों का और झाड़ियों का जो अध्ययन करने वाले विज्ञान है उसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं, तो याद रहे ये डेंड्रो। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नैक्स जो करने वाली है उसको ओफियोलॉजी कहते हैं, ये आप याद रखें, स्टडी ऑफ स्नैक्स होता है। नेक्स्ट एंथोलॉजी, एक वर्ड आता है एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की स्टडी करने वाली विज्ञान है। यहाँ याद रहे मैं आपको जो है ऐसी सभी साइंस के हिंदी वर्ड नहीं बता रहा हूँ, हिंदी वर्ड नहीं बताने का एक ही कारण है क्योंकि इन सभी को आप इंग्लिश में याद रखो, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, क्योंकि आपके पेपर के अंदर इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में पूछा जाएगा, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा कि ये खगोल विज्ञान है, ये ज्योतिष विज्ञान है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप एंथोलॉजी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाला नहीं है, आप सिर्फ उसको इंग्लिश में ही वर्ड याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स की स्टडी है उसको कहते हैं। और दूसरा एक और आता है इसमें कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, कोई पोइम्स या शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन हो, लेकिन याद रहे फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स से होता है, वो डिफरेंट ऑथर्स से होता है, तब उसको क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। तो एंथोलॉजी के दोनों ही हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स भी है और कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स भी है, लेकिन वो डिफरेंट पोस्ट का होना चाहिए। चलिए ये सारे जो है वो ब्रांचेज ऑफ साइंस से रिलेटेड वो वर्ड्स थे जिन पे हमने डिस्कशन किया, मैंने ये तैयार करके आपको बताया, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, इन सबको एक जगह ला के मैंने आपके कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फोबिया और साइड से रिलेटेड जो भी वन वर्ड हैं उनके बारे में मैं वीडियो बना के डालूंगा,
तो आप लोग जो है वो लगातार बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।